हिदायतों का सा चश्मा है,
और कुरान को अकेले नहीं बल्कि नूर को उससे वाबस्ता किया, और नूर अल्लाह भी है, रसूल अल्लाह भी नूर वाले, अली वलीउल्लाह भी नूर। सूरह बकरा कुरान मजीद का दूसरा सूरा तीसरा पारा आयत नंबर 257, अल्लाह वलीउल्लज़ीन आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين امنوا الله ان کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں بے ایمانوں کا ولی نہیں ہے ایمان والوں کا ولی ہے उनके साथ हुस्न सुलूक क्या करता है। तो अल्लाह उसका सरपरस्त बन के उसे अंधेरों से निकाल लेता है नूर की तरह, है ना। अल्लाह वाली है सरपरस्ती जिसकी ले लेता है, सबकी सरपरस्ती नहीं लेता। आमन ईमान वालों की सरपरस्ती लेता, बेईमानों की नहीं, है ना। युक्ति हम बिना जुलमात है पहला नूर, तुम्हें निकाल लेता है अंधेरों से रोशनी में ले जाता है। बस वही नगर हो रू पकड़ो जो मुमकिन है काफी है, और यह हो बाबू उनके सरपरस ताबूत है शैतान है। वो क्या करते हैं, युक्ति हम बिना नूर वो लोगों को नूर से खींचने में लगे हुए हैं, रोशनी नहीं जाने देते उन्हें, अगर चले भी जाए तो खींच के बिना देते छोड़ देते नहीं जानते। ये वली से नूर है और जिनके वली शैतान है वो क्या करते हैं, मजलिस में ना जाना, जुलूस में ना जाना, माता में ना जाना, कोई आ भी आए तो उसे बेदर के थपेड़ और मार मार के फिर अंधेरे में ले जाकर छोड़ देते हैं। क्या मतलब भाई, ये तुम से क्यों निकाल के ले जा रहे हो, ना तुझे आदत नहीं पड़ी। जिनका सरपरस्त अल्लाह है वो ईमान वाले हैं, और उन्हें अगर वो चले भी जाए अंधेरे में तो अल्लाह अल्लाह के दूर में छोड़ देता है, भटक रहे थे दिल ही है तुम्हारी मंदिर। लेकिन शयातीन जिनके सरपरस्त है उन्हें वो नूर में नहीं जाने देते, अगर वो नूर की तरफ बढ़ भी जाए तो इतने पत्थरों की बौछार कर दी जाती है उनके ऊपर कि वो बेचारे डरे और सहमे हुए करीब नहीं आते, जुलूस में देखना नहीं। क्यों नहीं देखे भाई, देखने तो क्या होगा नहीं, अगर ये देखेंगे जुलूस तो पूछेंगे नमाज से ये क्या कर रहे लोग। बच्चा जब देखेगा एक मंजर माता देख रहा है क्या सही आवेदन करके माता कर रहे, तो बच्चा माँ का नाम पकड़ के पूछेगा मां ये क्या कर रहे हैं, तो माँ अगर सही बना दे है ये हुसैन का मातम करे तो गुंजाइश है बच्चे की, वो पूछेगी हुसैन कौन थे, तो माँ अगर ठीक है तो कहेंगे नबी के नवाज से थे, कमातम क्यों हो रहा है तो हमने कत्ल किया, काफी कौन है यजीद इब्न माविया, यजीद इब्न माविया है क्या बनाना था, कहा हुसैन हक बचाना बचा थे यजीद बिका रहा था, तो कहा हक पे कौन था, कहा हुसैन नफे थे यजीद बातिल पे था, हुसैन हक पे थे। तो अगर इन जुलूस में जाएंगे बच्चे तो मां से पूछेंगे कि मातम किसका है, ये हक पे कौन था बाकी पे, तो इन बच्चों को पता चल जाएगा ना कि हक वाला कौन है बाकी वाला कौन है। भैया होगा ना बात तो बहुत दूर तक चली जाएगी, जब बाकी के चेहरे से नवाब हटेगी अल्लाह जाने कैसे कैसी सूरत सामने आएगी, इसलिए नकाब पड़ी रहने दो, अंधेरे में रहने दो, कई मशीन में चले जाएंगे तो फिर ये अंधेरे में रह चुकेंगे, इसलिए तो रोशनी का जो आदमी हो जाए उसे अंधेरा बुरा न मिल जाता है, इसलिए कहा अंधेरे में रहने दो
जाओ नहीं वहां, देखो ही नहीं, नालम को देखो, नालम वालों को देखो, ना मातम को देखो, ना मातम वालों को देखो, ना मजलिस में जाओ, ना साहिब मजलिस को समझने की कोशिश करो, बस तुम अंधेरे की पैदावार हो, अंधेरे में रहो, रोशनी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। यही है ना, अल्लाह ने कहा कि मेरा काम तो यह है कि जो ईमान वाले वो अगर अंधेरे में चले भी जाए तो मैं निकाल के उन्हें रोशनी में सोचता हूं, लेकिन जो ईमान वाले नहीं है उनकी सरपरस्ती शैतान ले लेगा। अब वो उसकी जिम्मेदारी है कि तो कोई मूड में जा रहा है इधर वहां आ जाओ, ये शिर्क ये बिदत, ये शिर्क ये बिदत, इतना जहन वाश कर देते हैं, प्रार्थना कर देते हैं कि वो ये समझने लगता है कि कोई बुरा काम कर रहे ना, है ना, इतना मिसगाइड कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए अगर ये जब भी नूह में जाएंगे, बाद ये नूह में जाएंगे, फिक्र नूह में जाएंगे, तो ये पूछेंगे जरूर कि ये है कौन, और अगर सही जवाब ना मिला इसका ये दौर है, बच्चे को सही जवाब आप ना दे तो दूसरे से पूछता है, और कहीं बच्चा समझदार है तो खुद रिसर्च करने के लिए किताबें आपको नेट पे आ गई, नजर किताब को देखते रहता है, और जब देखता है तो पाकी और बातिन उसे सामने आता है, वो भी बदलता है। इसलिए कोशिश की रहती है कि जो अंधेरे में है अगर वो छा भी रहा है तो उनकी बातें उसके फेंके दिया जाता है, अंधेरे में। लेकिन रोशनी वाले जो रोशनी में आ गया, जो भी आ गया, अब वो फिर अंधेरे में नहीं जाना चाहता, है ना। नूर कुरान और रूह, अब बलवा खलक अल्लाह हो नूबी, अल्लाह ने सोचा लगा मेरी खिलकत कहीं से, नूर से है, हजरत आदम की खिलकत कहीं से, हल्के नबी है उनकी खिलकत मिट्टी से है। जो गुजर गया है ना भाई, ये जो जमाना है पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, है ना, वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल, ये है ना, माजी हाल इस्तकबाल टेंस जमाना। तो जमाने की तीन किस्में है, एक वो पास्ट जो गुजर गया, एक जो प्रेजेंट जो गुजर रहा है, एक फ्यूचर जो आने वाला है। जो कल गुजरा वो है पास्ट, उसे कहते हैं माजी, है ना, वर्तमान काल, है ना। एक है हाजिर आज का भी, जैसे इसे कहते हैं हाल, पास पास फ्यूचर प्रेजेंट, प्रेजेंट में आ गया ये। अब है इसका पास मुस्तकबिल, जिसे आप कहते फ्यूचर आने वाला पीरियड भविष्य का, ये है का। तो माशाल्लाह से आप देते हैं और ये फर्श मोहब्बत निशा हुआ, यहां मोहब्बत तकसीम होती है, और ये हकीकत है कि ये हमारे बैत के आखलाक को, मोहब्बत को लोगों तक पहुंचा के उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करते हैं, है ना। इसलिए कि हिंदुइज्म में भी है ना कोई किसी का मित्र है, दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन है, है ना। व्यवहार इंसान का अखलाक यही है एक चीज, कि तो दोस्त भी बनाता है, दुश्मन भी बनाता है, अच्छा है तो बेगाना भी अपना होता है, बुरा है तो अपना भी बेगाना बन जाता है। चारों बड़े भावना से बात करता है, और यहां पर इन तक
नसीब होगा। यहां पर इन बाबे हिम के बेटे के नाम से सराया जाने वाला पसेन यीशु का पिता न मतों का दानम ज्ञानम नशीब न गो का दानम तेरे तो रूपे भूमि बार होता मनुष्य रूपे में आकाश जलती तेरे के आधार है ये जो ज्ञान है ये जो हिम है ये जो एजुकेशन है एक ऐसी दौलत है कि हर धर्म वाला कहता है कि ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। आदमी किसी चीज को दाना उसी वक्त कहलाया जाएगा कर्मन जब इल्म उसके पास में हो और आप उनका सहारा ले रहा हो तभी वो धर्म तक पहुंचता है। यीशु का विद्या न तपो न दान ज्ञान न चीरा का कोरोबा दान क्या बातें हैं जो इस पर से इल्म की नसीब होती है और ये सारी इल्म की गुफ्तगू इल्म जब मिलता है इनके लिए क्या है आपका असर क्या कहता है मैसेंजर को ईश्वर की ओर से आपकी बाबल धरती पे आया आखिरी लास्ट मैसेंजर लास्ट प्रॉफिट उसके पास जो अल्लाह का सबसे पहला मैसेज आया वाले जैसा वाले का अल्लाह का हौसला था तेरा फरमाओ इस पर अपनी बंद होगी पाला क्या आना लगा था ये पहला मैसेज अल्लाह की तरफ से जो सुबह लाने कर दो है पहले मैसेज में क्या कहा रहा है क्या कहा पढ़िए बिस्मिल्लाह के बाद लिखा उस रब के नाम से जिसने हर किया जो कि ये घर जो पाला हवा है जो पैदा करने वाला जिसने जीना नाम दिया जिसने ये इंसान को वजूद बख्शा ये लाइफ देने वाला वो खाली मुबारक के लिए कर जिसने इसके लिए सब को काम किया तकलीफ को बताया है उसने पहला मैसेज क्या मिल रहा है एक और इसमें अपनी कल्पना खड़ा खड़े हो इंसान ने बना इंसान को बना वो उसके नौकरी से बनाया है पढ़ने ये तो कुरान नाजिल हुआ रसूल के लिए उम्मत के लिए उम्मत के लिए है ना पहला पैगाम अल्लाह उम्मत को क्या दे रहा है पढ़ने लिखने से है यानी अल्लाह का जो मैसेज है वो एजुकेशन से शुरू होता है पढ़ने लिखने से शुरू होता है ये उम्मत के लिए है ना अपना तो अल्लाह ने रसूल को जो पहला मैसेज दिया बस मैसेज दिया वो ये है कि पढ़ने लिखने से शुरू हो यानी जो अल्लाह उम्मत की जिहालत पसंद नहीं करता तो वो रसूल को जाहिल होना कैसे पसंद करेगा ये अल्लाह का मैसेज रसूलुल्लाह का मैसेज क्या है उतलाउल इल्म मेरा महल इलम महल ये ज्ञान ये इल्म ये एजुकेशन इसका सिलसिला शुरू हो गहराई से लेकर कब तक रहे जब तक कब्र में पहुंचे ये पैगंबर का अल्लाह का मैसेज लाइफ का आगाज एजुकेशन से हो ज्ञान से हो इल्म से हो रसूलुल्लाह का मैसेज तुम्हारी जिंदगी का आगाज इल्म से हो अंजाम इल्म पर हो यह रसूलुल्लाह का पैगाम और बलियों के बली अलियों के अली इमामों के इमाम मुस्लिम शायर हो कहा मुर्तजा बराबर मुस्तफा ईमान ने कुल बराबर खत्म रसूल शाह मरदा शेर जज्दा कुमत परवरदिगार उसने यह मैसेज दिया वो कहते जिस दिन तुम्हारी एजुकेशन में इजाफा नहीं हुआ वो दिन तुम्हारा व्यस्त गुजर गया क्या मैसेज दिया अली के मानने वालों के लिए मैसेज अली का जिस दिन तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारे एजुकेशन में इजाफा नहीं हुआ वो दिन तुम्हारा मजलिस से आए लेकिन मजलिस से हाथ चले गए जैसे तुम्हें कागज की तरह आए थे वैसे चले गए मौलाना ने कहा तुमने टाइम वेस्ट किया एक बार गुजर गए बच्चा आया मजलिस में और कुछ सुना नहीं उसने कुछ लेके नहीं गया इमाम ने कहा टाइम वेस्ट किया चीनी की है इसने इमाम हुसैन के साथ भी रसूल अल्लाह के साथ भी और अली के साथ ऐसा इंसान ना अल्लाह की निगाह में होता
नामी की निगाह में देखता है, ना हुसैन इब्न अली की निगाह में देखता है, पहले सा नहीं है। उसके बाद सुनेंगे अपना काम अलग मौलानी भी कहा, अगर एजुकेशन हासिल करने वाले आपके सारे दरवाजे बंद हो गए इंसान की लाइफ में, एक हासिल करने वाले सारे दरवाजे लॉक हो जाए, बंद हो जाए, तो फिर ऐसे इंसान की जिंदगी से मौत बेहतर है, जीवन उसका बेकार है। ऐसे इंसान की जिंदगी बहुत बढ़ा है, इसे तुम्हारा जाना चाहिए, इसे जिंदा रहने का हक है। जिंदा रहने का ऐसे इंसान को हक नहीं है कि जिसकी एजुकेशन में इजाफा हो रहा हो, उसे मरना चाहिए, इसे बेकार है, इसके लिए मौत से बेहतर है जिंदगी से जहां एक उम्मीद इजाफा ही ना हो। और शादी के आगे मोहम्मद के जुमले क्या है, तुम्हारा बच्चा एजुकेशन के हर फील्ड में सबसे आगे हो, और उसमें कंडीशन नहीं लगाई जैसे कि आमतौर से लोग कहते हैं कि बच्चे को आदमी पढ़ाओ, अंग्रेजी ना पढ़ाओ, बच्चे को फैला पढ़ाओ, साइंस ना पढ़ाओ। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे को सिर्फ उसमें फैला पढ़ाना, केमिस्ट्री ना पढ़ाना, ये है बच्चे को मंथली पढ़ाना, फिजिक्स ना पढ़ाना, ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे को सूर्य फैला पढ़ाना, बायोलॉजी ना पढ़ाना, सोशियोलॉजी ना पढ़ाना, जूलॉजी ना पढ़ाना, ऐसी कंडीशन तो नहीं लगाई ना। बल्कि चले इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा बच्चा मॉडर्न पीरियड में जिंदगी की सांसें ले रहा हो, मॉडर्न एजुकेशन के पीरियड में हो, तो मॉडर्न एजुकेशन के पीरियड में तुम्हारा बच्चा उस मॉडर्न एजुकेशन में सबसे आगे हो, ताकि पता चल जाए कि ये बाबे इल्म कमाने वाला है, अब चैन कमाने वाला नहीं है, तब पता चले। इसलिए मॉडर्न एजुकेशन तो पहचान में जाओ, ये क्या है कि बोलो तो पैसा मिल जाओ, अमेरिका है आप कह रहे हो, जब आदमी मुंह खोलेगा तो जो अंदर होगा वो बाहर आएगा, अगर जिहालत भरी होगी तो जिहालत का इजहार होगा, इल्म भरा होगा तो इल्म का इजहार होगा। इसलिए कि बर्तन में अगर दूध है तो उससे दूध ढकेगा पानी में, है ना, तो ये जिससे इल्म है, यहां से भी अगर कोई खाना चला जाए वो आप याद करो जब अल्लाह के बड़ी को दुनिया में आराम किया था कि इन्नी खाउलुन बशरन मिन्नी, मैं एक बशर बनाने वाला हूं मिन्नी से। यहां पे कहा था तीन, देखिए तीन भी तीन तरीके से लिखा जाता है, एक होता है तो ये नून, एक होता है ते ये नून, है ना, ते और नून ये भी तीन है, और तो ये नून ये भी तीन है, लेकिन हर्फ बदले हुए, एक जगह ते है और एक जगह तो है, और दोनों के नाम बदले हुए, और प्रोनाउंसिएशन भी जो है उसका वो भी चेंज है। अरबी का यही जो कमाल है कि आदमी तीन कह रहा है तो वो तीन एक ही तरह नहीं होगी, तो वाला कह रहा है तो वाला तीन, ते कह रहा है तो ते वाला तीन, ते वाला भी है ना, ये दो अरबी में इस्तेमाल हुए, तो ये दूंगी और ते ये दूंगी। सूरह बत्ती कुरान के पिछले नंबर का सूरह तीसरे वाले से ताल्लुक रखता है, आगाज सूरह बत्ती है, बसे हुए बतू है सीढ़ी और बरन अभी हो गया
सतीरा वती या ते देखू का मतलब है इंजीन तीन के माने क्या है इंजीन ते ये दू अभी है तीन जो आप जा चुके हैं उन्हें पता है तीन है ना तीन अगर ये अरबी में है ते ये दू तो इसके माने इंजीन और ते ये दू अगर उर्दू में है तो उसके मतलब है तीन काउंटी को करते हैं एक दो जहां रेस होती है घोड़ों की बंदे खड़े होते हैं वहां जहां ये घोड़े दौड़ाए जाए गाड़ियां दौड़ाई जाए ये दर्द महसूस हो गया दौड़ने से ये मैं उर्दू की बात कर रहा हूं ये काम दीजिए जैसे ये बात होने वाली दौड़ होने वाली है गाड़ियों की दौड़ घोड़ों की दौड़ है ना अब तो दौड़ तो दौड़ है दौड़ का मतलब भागो तो एक कहकर नहीं भगाया जाता दो कहकर नहीं भगाया जाता जैसे उसने तीन कहा अल्लाह जाने ये आदम भागने से कितना आसान हो गया खूबसूरत बन सकता था अल्लाह के नाते उतना खूबसूरत हमने बनाया
इंसान दोबारा के पर्दे पर आया था। लगत खलकन इंसान अभी आसन है, देखिए हुस्न सुपर नेचर बिकली है ये हसन, हसन हसन का मतलब है खूबसूरत, और एहसन नहीं और आसान के रूप में बात हूं हुस्न, जहां आपने नुक्ते कमाल पे पहुंच जाए वहां एहसन बनता है। एहसन एहसान दिखेगा सबसे अपनी क्रिएशन है उसकी, सबसे ब्यूटीफुल कौन है इंसान है उसकी क्रिएशन में सबसे खूबसूरत, लगत खलक इंसानों की आसन है तदबीन बेहतरीन कलाम से नौ पलक सो हर लिहाज से हम इससे खूबसूरत पर लेकिन फिर रही रखी तो क्या कहती है उसने सुम पाओ रगत नाओ असफल सौरी फिर से अच्छे बने हुए वो उसने अपने को वहां रखा ही नहीं नीचे गिरा दिया, जिस स्टेटस के साथ हमने उसे बनाया था जिस कमाल के साथ इसने वो सारा कमाल जान की तरफ खत्म कर दिया, अपने आप के कमाल की तरफ दे दिया ठीक है, जब गिर गया तो हमने कहा चला था असल खातरी इंसान ने जब उससे बलन बनाया तो इतना बलन कि बन भी के रहने वाले फरिश्तों को उसके सामने लगा दिया, और जब ये बस्ती की तरफ गया तो सबसे पस्त पत्थर है उसी के सामने सर उठा के रह गया। ये इंसान की कमजोरी ये होता ही बताया गया है, तो तीन यहां पे तीन के माने निश्चित है ना, तो ये नून तीन तीन के माने मिट्टी, आदम के लिए कहा था मैं मिट्टी से कशर बनाने वाला मिट्टी से है ना, अब सुना मैं सुना आगे कुरान आयत का पंद्रहवां सुना चौदहवां पारा उसकी आयत नंबर 28 इसका रब पहले बताया कि ये खालिकुन बचन मिन सत्सारी मिन हमाई मसनू बहुत याद रहा मुझे मैंने ऐलान किया था कि मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं, यहां संसार का लफ्ज इस्तेमाल किया हमाई मसनून का लफ्ज इस्तेमाल किया, इन दोनों के माने हैं मिट्टी है ना, दोनों क्या माने मिट्टी है सूर्य नाना के बचपन में सुना सकता है इतना बार उसकी चौंक गया अब रहना मतलब प्रणाम करने के इंसान ना हो गया चंदू वाला मामू ये बात ना जो शुरू हो ये तुझा का समारा भाव सारे निकाल ना तब वो भी निकाल ना तू बोलने की क्या बात है तू निकाल बड़ा आधार बड़ा ये आम आपकी आवाज को ना तो ना तेरा पागल आपको बुला दे रहा वो भी जाएगा तेरे पागल को तेरा खाली कर इंसान है इंसान सारे इंसान पागल ना खाली कर जाना नहीं मार दे कि ना भाई यार जब भी बुला तू कर चला सुबह नमाज ना भी किया हमने उसे तकलीफ इंसान का तस्करा भी किया है, अब हम कहते हुए जबरी रहमान के कलाम करते करते एक मंजिल पाया खलकल इंसान मिन सरसारी कम फाहौ उसने इंसान को पैदा किया खन खराबी हुई मिट्टी से, यहां सरसार के माने भी मिट्टी है हमारी मसरूम के माने भी मिट्टी है तीन के माने भी मिट्टी है, सूरह फातिर 35वां सूरह 22वां पारा क्या किया है वंदा हो खलकतुम मिन तुराब, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया इंसान को पैदा किया तुराब, तुराब की मानी मिट्टी। अरे इस कुरान के पास नमाज की डिटेल बतलाने का टाइम नहीं है, अभी उस सलात के आगे बढ़ गया डिटेल नहीं बता रहा बाकी बातें नमाज कितने हैं मुकरात नमाज कितने हैं शकियात नमाज कितने हैं नियत क्या है तकबीर का एहराम क्या है कयाम क्या है रुकू क्या है सुजूद क्या है तशहुद क्या है तरतीब क्या है बारात क्या है सलाम क्या है तशहुद क्या है ये नहीं डिटेल बता रहा, शकियात नमाज की इतनी किस्में हैं कि आप जब जो है वो नमाज को बातिल कर देते हैं है बता रहा नहीं बता रहा, और छह शक ऐसे जिनकी परवाह नहीं करनी चाहिए नौ शक शक के सही कहलाते इधर नहीं बता मुकल्ला की सलात मुकल्ला की नमाज बारह है जो चीजें नमाज को बाकी कर देती है इधर नहीं बता, अब तो सारा आगे बढ़ गया नमाज को कायम करो कैसे करे नमाज पढ़े कैसे ये तो दुआ और दुआ है तो सुनूर है रसूल को जिसने ये कह दिया कि ये थ्योरी है जब तक मैं और अहले बैत प्रैक्टिकल नहीं करें तो नमाज
रसूल की इताअत का नाम है अल्लाह हु अल्लाह हु के नामों का नाम नहीं है। अल्लाह के रसूल की इताअत का नाम है नमाज जैसा वो करना जाए जैसे करते जाओ इबादत की और अगर अपनी तरफ से इतनी की या उसमें मदाखलत की तो गए काम से इंसान के बारे में जरूरी दे रहा है रोजी के बारे में भी कोई डिटेल नहीं है कि वो मुतला में सौंप देते हैं वो चीजों को बात कर देती है वो डिटेल नहीं है आपको बता रहे थी बस उसने कहा कि क्या मैं वसीला हमारों को करा लेकिन श्याम का बात करा रसिया ने पर देता रंग करा हूँ एक माला ना तो तब मारे पर ऐसे फास किया है जैसे तुझे पहले बारे पर फास किया गया था बात तो सरकार के गाली वाली या निशान सरकार क्या है ठीक है हमने से ये भी सरकार दिखा रहे और आय की कितनी तादाद होगी घरों की कितनी तादाद होगी लोगों की कितनी तादाद होगी सिखों की कितनी तादाद होगी कोई डिटेल नहीं बारिश के पानी से खेती हो रही है तो कितनी तादाद निकालेंगे पानी हम को दे रहे हैं तो कितनी तादाद निकालेंगे डिटेल क्या कुछ नहीं मनी सदा लिंदा है हिज्जुल बैत मनी सदा ये है सभी जो इस्तेदाद रहता है हज करने की वो हज करने के लिए जाए एहराम कहां खड़े होके बांधे चक्का कैसे लगाए एहराम बांध के चक्का कैसे लगाए बहुत से बेचारे अपने नसीब का चक्का काम के लगाते हैं और इसी चक्कर में रहते हैं कि हमने नामे का चक्कर लगा दिया और वो अजीब लोग होते हैं जो बैत का वो चक्कर लगाते हैं अहले बैत के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और ऐसे लोगों को देख के शायद अजीब खूब अजीब तुमने कह दिए कि वो लोग जो हराम भी बांधते हैं बैत का चक्कर भी काटते हैं वो कहता है बदन पे जामाए अहराम दिल में तो से अभी बदन पे जामाए अहराम दिल में तो से अभी तेरे नसीब का चक्कर है ये तमाम नहीं वो सोच रहा है बैत का चक्कर लगाओ लेकिन शायद निकल जाते नसीब के चक्कर ना आ जाए इसलिए कि मैं उस वक्त बनता ही नहीं जब तक ऐसे बैठ ना आ जाए और होता तो मैं ऐसे बैठा ही नहीं ये दूसरे शायद ने कहा है कि हरम के गिर्द फिर कर ढूंढते हैं जो थोड़ा थोड़े वाला कमाए या फिर वो कहा कि करते हैं सजदा सुबह जजा फारे अली मुर्मू के एक दिन है कोई देखता ना हो अगर उसमें दिल में तो उतर नहीं जाए सजदा अली की जगह भूमि की तरह हो रहा है कोई देख तो नहीं रहा कल देख तो सभी रहे हैं कह कि तुम्हारे दिल में क्या है वो भी देखा जा रहा है पर तुम कर क्या है ये भी देखा जा रहा है ये अल्लाह ने यहाँ पर किधर किसी चीज की नहीं मिलती है ना बात और बढ़ने लगा है इसलिए बातें बहुत सी रह जाती हैं इसी बात की वजह से और बहुत जल्दी से समझने की कोशिश में लगा हूँ तो ये यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि इंसान के बारे में बड़ी डिटेल से बताया उसने नमाज के बारे में डिटेल से रोजे के बारे में नहीं हज के बारे में नहीं जकात के बारे में नहीं कौन से बारे में नहीं जिहाद के बारे में नहीं जितनी डिटेल इंसान के बारे में उसकी तकलीफ का तस्करा किया तो इस सूरह सवाल में क्या था इन खाल को बशर में थी मैं बशर बनाने वाला हूं तीन से तीन बनाने में थी और सूरह रहमान में क्या कहा खलक इंसान सलसाल का पखा हमने इंसान को सलसाल से बनाया गया सलसाल के माने मिट्टी सूरह हिज्र में क्या कहा मिन हमारी मसनून हमारी मसनून के बारे में क्या है मिट्टी सूरह फातिर में क्या कहा बंदा और खलक हमने तोड़ा अल्लाह ने तुम्हें तुराब से पैदा किया तुराब के माने मिट्टी तो क्या उसके पास मिलाप नहीं है लब बदले हुए हैं जब लब बदले हुए माने तो सबके लिए थी कहीं गौर करो माने सबके लिए थी ये आरंभ नदी का रसिका लाल करा है तो यहां पर उसने कहा कि हमें इसी से रह लगे लेकिन लखो से सुनिएगा तीन तो ये नून थी इसके बारे में थी सरसाल इसके बारे में थी हमारी मसलूम इसके बारे में थी तो आप इसके बारे में थी चार बातें एक यतीम एक संसार और एक हमारे मसरूम एक जवाब इन चारों के माने मिट्टी के लेकिन बात के साथ तीन तो ये रूप तीन के माने गिन मिट्टी एक के माने गिन मिट्टी हमारी मसरूम के माने है भूनी हुई मिट्टी संसार संसार के माने है खटखटाती हुई मिट्टी
तुराल, तुराल के माने है सूखी हुई मिट्टी। इन चार लफ्जों में वो कौन सा एक ऐसा अहम लफ्ज है कि अगर उसे हटा लिया जाए तो ये तीनों काम तोड़ दे। इन चारों में कौन एक ऐसा है कि अगर उसे हटा लिया जाए तो ये तीनों काम तोड़ दे, एक तीनों का वजूद खत्म हो जाए। कौन सा लफ्ज है? वो है तुराल। इसलिए जब सूखी नहीं होगी, अल्लाह ने क्या ध्यान रखा है, जब सूखी नहीं होगी तो उसे गीली कैसे करेंगे, जब गीली नहीं करेंगे तो गूंथेंगे कैसे, जब गूंथेंगे नहीं तो पुतला बना के धूप में आग में रख के खड़खड़ाती हुई कैसे बनेगी। इसका मतलब यह है कि बगैर तुराल के, जब बगैर तुराल के इंसान कामिल नहीं होता तो बगैर अबू तुराल के ईमान कामिल औरत है,
की बात कर रहा है, अली के मुकाबले में जय रहा है। और एक मतलब बेटा का नाम दाऊद पे फर्क तनाव में एक गिलास का जाम पीने वाली हुआ और उनकी मोहब्बत ऐसे बोल रही थी कि सुनने वाले हैरत की कसी बंद कर दे। उसने कहा किसे कह रहा है, कहां खाती, कहां का सू, कहां कब्र, कहां उठा, कहां कब्र, कहां समंदर, कहां चाबी, कहां होली, कहां का सब, कहां होली में सब, कहां थे, कहां मनु नानू। इसकी बात कर रहा है कहां सरका खाने वाले, कहां बड़ी पेशा हो गया। ऐसा होगा बच्चा क्या कह रहे हैं लोग, अलादी दादी भाभी के सामने मैं अपने आदि को नबियों से हजरत समझती। वो तो पहले मेरे को बहुत जान के सामने एक औरत ने कहा मैं अपने आदि को नबियों से भी हवाला मानती हूं, तब मुझे नहीं देनी पड़ेगी वरना कब कर दिया जाएगा। मुझे डर नहीं है जिस दिन में अली की मोहब्बत आ जाती है बादशाह का डर निकल जाता है, तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मौत आ जाएगी तुझे। मुस्कुराई दुबला और मुस्कुराए का है हजरत, सुन ले तू ही सुन, तेरे दरबारी भी सुने और तेरे ये फतवा देने वाले उलमा भी सुने, याद रख ले तू भी याद रख, ये सारे बांधने वाले भी तेरे याद रख ले। तू कह रहा है मौत आ जाएगी, याद रख मौत दुश्मन आता है अली का दोस्त नहीं बनते। मेरा अली आलम से लेता तब के सूरत में जमा हुआ बड़े हुए दरबार में, तब जाकर उसने कुरान पढ़ा, देखा होगा बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा समझा नहीं होगा, तुमने बड़ा कुरान नहीं पढ़ा, देखा कुरान नहीं, देख सुना कहा एक बार उठा सुन बाबा ये मेरे से की शुक्र मेरा अली आलम से बेहतर क्या बेहतर है सुन वासा आलवा कट हूँ फालवा। आदम ने अल्लाह की ना फरमानी की लिहाजा राय हालात से वो अलग हो गए, अल्लाह ने जमीन पे भेज दिया है ना क्या के हूँ खा लिया, तो वो आलम से सुन वो जो भी सुन दरवाजी से वो आलम से कि जिन्होंने गेहूं खाया अल्लाह ने जन्नत से जमीन पे दे दिया, लेकिन मेरे अली की तैसा सारा जिंदगी है एक दिन बता जब अली ने गेहूं खाया हो, अल्लाह ने मना नहीं किया है। जो जो आते हैं बसेरा खाओ पे जहरों पे राव श्रक्का था, बसेरा खाओ पे जहरों पे राव श्रक्का था, वो कश्ना ना खाओ समंदर लाल सरता अजीब शख्स था फाकों में जी रहा कमरन, वो अपनी बुद्धि के सरता मरान सरता मेरा आदमी आदम से लिखता है। आदम ने गंदू खा के जन्नत गवा दी, अली ने जौ की रोटियों से सवाल ना आ जाए तो मेरा नाम भुला नहीं दे आप सुना था मेरा भी लुक से लेता कैसे देख रही है कबाब सुरह तहरी चियार का सुरा अठाईस वाला दस भी आया जरा अल्लाह हो मसल नदिया का करू इमरान अनूही फरमात अनूही बहान तो हुआ बाकी है फरन ना हो मत आओगी लुक की बीवी है लुक की बीवी है खयान की है ना अल्लाह की दादा तुम भी जाओ जो जहन्नम में जा रहे हैं उनके साथ में नूह की बीवी तुम भी जाओ नूह की बीवी तुम भी जाओ ये आदम नूह की बीवी को
नूह की बीवी को कह रहा है कि जाओ जहन्नम में, जाओ जहन्नम में, मेरा आदमी वो है कि जिसकी जोड़ा का नाम फातिमा है, फातिमा के माने ही जहन्नम से छुड़ाने वाली ये है। वो फातिमा चाहे तो अभी शाम को यजदान बना दे, चाहे तो अभी शाम को यजदान बना दे, आंगन में हुई बात को कुरान बना दे, हबशी को कभी बाकी फिर सुभान बना दे, रहमान पे राजी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्काश बना दे, ये जिसको तू आते उसे अब्बास। अरे यानी एक बहादुर बाप की
रगों में दौड़ने वाला खून काफी नहीं था, इसलिए एक बहादुर मां का दूध तलाश किया है। अभी घर जा रहे, अभी एक खानदान तनाव तनाव खानदान था जो तो बस्ती से थोड़ा बाहर रहता था, टैंक वगैरह लगा के, और इतना बहादुर था ये खानदान कि लोग तलवारों पर बनी कलाब का नाम चंदा कराते थे, और मैदान जंग में अगर लड़ने वाले को वो नाम दिखाई दे जाता था तो फरार कर जाता था कि भाई इसका मुकाबला तो मुश्किल हो जाता, ये लोग कलाब का नाम कर रहे, इतना बहादुर हार जाता। अली ने कहा था ना एक बहादुर मान तलाश है, लिहाजा गए सरदार कबीले का टहल रहा था, जैसे ही जनाबे वकील को आते हुए देखा जो किसे आगे बढ़ा, आप जो के कहता है एक बेसतुल बर्ग के बेटे, एक सैयदुल मर्द के बेटे, एक शेख बका के बेटे, एक कबीले कई बरदारे कामा के बेटे, एक अमीर अरब के बेटे, नास के बेटे, आपने हमारे कबीले में आने की जहमत की, हम बड़े खुश हैं और शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे कबीले में आए, ये हमारी शान लेता हुआ कैसे आना हुआ, कहा रिश्ता ले गया, कहा सैयद के बेटे किसका रिश्ता, कहा अली का नाम सुना है, कौन बदल ऐसा है जो अली को नहीं जानता है, अली का रिश्ता जैसे अली का नाम सुना बैठा रखा हो गया, मेरी बेटी मौजूद है अमेर स्वान चूर कर इतनी भी जल्दी ना करो, रुकिए बैतुल बलद के लेके दो मिनट बैठ जाके बिठाया, दोनों घर में गया और जाके सौदा से खाते सुनती हो क्या हुआ, बताए हमारे घर रिश्ता आया है, कहा किसका रिश्ता आया है, कहे नबी का मसीह है उसका रिश्ता आया, जो कायनात का मुश्किल कुशा है उसका रिश्ता आया है, जो हसीन नारे बन जाना है उसका रिश्ता आया है, जो बैतुल मदद का बेटा है उसका रिश्ता आया है, जो सैयदुल अरब का बेटा है उसका रिश्ता आया है, जिसके बेटे जमान में जन्नत के सरदार है उसका रिश्ता आया है, कहा मंजूर है, ये फिर मेरा अनुराध है के पास कि हमने मशवरा कर लिया है मंजूर है, करने की लड़की से मालूम किया जाए, नाम था फातिमा, और चूंकि खानदान कलाब था तो आगे उनके फातिमा कलाबिया लिखा जाता, जहां पर पास की जो वालिदा है वालिदा की उन्हें फातिमाए कलाबिया के नाम से लोग जानते थे, नाम फातिमा था कलाब खानदान था, इसलिए ये जो नसब है जनाबे अब्बास का ननिहाल का सिलसिला है ये भी जाके ऊपर ये मिल जाता है कलाब खानदान से, कलाब के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे अब्दुल मुनाफ, अब्दुल मुनाफ के बेटे जो है वो जनाबे आशिफ थे, आशिफ के बेटे अब्दुल मुत्तलिब थे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब थे, अबू तालिब का बेटा अली है, तो ये सिलसिला इतना वही जनाबे अब्बास का मादरी जो सिलसिला है वो भी जाके एक हो जाता है, आगे चलिए इसी खानदान की एक शाख है, एक ही शजर की दो शाखे हैं और दो शाखों के दो समर हैं, एक शहर के दो समर है जो जुदा हुए लेकिन एक मंजिल वो आई कि वो यकजा हुई, दादा पूछो लड़कियों का दबा किया गया राज
तो फातिमा कलाबिया ने बताया कि रात में बिस्तर ख्वाब पे जब मेरे ख्वाब हुई तो बीवी ने एक बशारत दी, मुबारक हो तुम हमारे घर की बहू बन के जा रही हो। और हसनैन उसमें नेमत है, अल्लाह की तो बड़ी नेमत है, हसनैन की फुरत पे वो मौजूद है वहां उनका ख्याल। अच्छा ये ख्वाब देख के परेशान थी, किसी से बयान नहीं किया इन्होंने, ये रात की बात थी और दिन में जनाब को बता दी कि फरदंद अजमन वहां पहुंच गए। तो जब सहेलियों को जमा किया गया तो अब उन्होंने ये ख्वाब बयान किया, जनाब अकीन तक पहुंचाया कि ये ख्वाब देखा ही बीबी का वो शहजादी थी बशार देख के हम मजबूत। खैर मुबारा आई और यहां से जनाबे उम्मुल वलीद के नाम से आज जानी जाने वाली वो मुअज्जमा जिसका नाम फातिमा कलाबिया था, दुल्हन बन के कायनात के उस नबी के वसी के घर में गई जो सबसे लगन था। डोली जब पहुंची तो कहा कि नीचे रख दो दरवाजा, उतर के डोली से फातिमा कलाबिया ने पहला काम के किया कि फातिमा जहरा की चौखट पर पेशानी को रख के सजदे माबूद हकीकी अदा करने ये कहा कि परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने एक बुलंद जगह पर मुझे पहुंचा के बुलंदी अदा कर दी। दो शहजादियां आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद का अम्मा तशरीफ लाके, लेकिन ये बातें नहीं करा दिया। शहजादियों मैं इस घर में मां बन के नहीं आई हूं, कमीज बन के आई। उसके बाद हजरत अली रात की तारीकी में नमाज शब के दौरान कायनात का बुलंद इंसान अपने हाथों को बुलंद करके जबान पे चंद कलमे इस अंदाज में बुलंद करता था कि तू खुदाए बुलंद है, एक तेरी निगाह में जो बंदा बुलंद है उसकी जबान पे जो लफ्ज बुलंद है वो लफ्ज इतने बुलंद है कि इनको हकीकी शक्ल दे दे ताकि एक बुलंद बेटा अब्बास की सूरत में मुझे मिल जाए, जिसने अपने लिए कुछ ना मांगा हो। 63 साल भया हुए तक के बाद गुलाम निवान और बलियों का बलि पूरी तारीख है हयात अली इब्ने अबी तालिब आपके पेश निगाह है। 30 आमुल फिर 13 रजब मुरज्जब की सुबह सादिक को अल्लाह के घर में आने वाला अबू तालिब का बेनियाज बेटा जिसकी जिंदगी का आगाज अल्लाह के घर से हो रहा है और 21 रमजान 40 हिजरी को फिर अल्लाह के घर में जाके कायनात को अलविदा कह के अल्लाह की तरफ जाने वाला अपनी 63 साल हया होते के बाद गुजारने वाला किसी भी जिंदगी के शोबे में हाथों को फैला के अपने लिए कुछ मांगकर नजर नहीं आता, कुछ नहीं मांग। जब भी हाथ फैले तो गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मुखलिसों के लिए, हकीरों के लिए, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांग। हर चीज की तमन्ना यह है कि मैं अली तक पहुंचू, अली ने कोई तमन्ना नहीं है ना, पर तख्त की तमन्ना को क्या करे जिसके लिए लापता का अल्लाह का तख्त बिछा दिया गया हो, ताज की तमन्ना को क्या करे जिसके सर पे अल्लाह का ताज रख दिया हो, बेहतरीन निवास की तमन्ना को क्या करे जिसके बच्चों के निवास जन्नत से आते हो, बेहतरीन विवाह की तमन्ना को क्या करे जिनकी कहीं जन्नत से गिरा बना लेती हो, को किसी चीज की तमन्ना नहीं बल्कि हर शायद को अली की तमन्ना कि मैं अली से वाबस्ता हो जाऊं
तो मैं यहां मुकद्दस अलग को लाए। आप देखें कि काबे को अली की तमन्ना या अली को काबे की तमन्ना, अगर बने हुए दरवाजे से भिड़ते असर खाने काबा में जाए तो अली को काबे की तमन्ना, और अगर दीवार तोड़ के अल्लाह एक नया दर बना दे तो काबे को अली की तमन्ना है ना, नबी को अली की तमन्ना या अली को नबी की तमन्ना। अगर फातिमा बिनते असर काबे से लेके अली को घर में जाके कहे कि मोहम्मद मैं ये बच्चा तुम्हारे लिए लाई हूं, तो अली को नबी की तमन्ना, और नबी अगर 13 रजब की सुबह को काबे की दीवार के पास आके हाथ फैला के कहे कि चाची अली को मुझे दे दो, तो नबी तुम्हारी की तमन्ना है ना। अदम को अली की तमन्ना, अली को अलम की तमन्ना। अगर 39वें दिन या 40वें दिन अली नबी से अलम मांगने जाए तो अली को अलम की तमन्ना, और अगर नबी नादे अली पर में बुला ले मोहम्मद हर चीज को अली की तमन्ना, अली को किसी चीज की तमन्ना नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान गुजर जाए कि तमन्ना ही ना करे, ये तो अल्लाह ही को जेब देता, बंदे को जेब नहीं देता। अगर तमन्ना ना करे तो मुसैलियों के दावे में दलील खराब होगा कि बताओ हमारे पुराने के साथ की तमन्ना की है, इसलिए शक के बदले में शक की बात सुनने वाले से है ना। जब एक शाम में खाब हो, जब एक सन्नाटा हो, हर आदमी बाप की दुनिया में खोया हुआ था, और मकबूल होने वाली दुआओं के रात के अंधेरे दरवाजे खुले हुए थे, हजारों तकबीरों की आवाज बंद करने लगा और भी शब्द सुन रहा, हाथों को बंद करके कहता कह रहा कभी कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगा, लेकिन आवाज मांग रहा हूं मुझे कैसा पाऊ आगा तो मैं हुसैन के काम आए। एक तमन्ना इसी में पास करता है, तमन्नाए कल्बे अमीरुल मोमिनीन, अली के दिल से जो आवाज निकली उसका नाम आवाज है। वे बहादुर बीवी फातिमा एक कलाबिया, एक मासूम जात अली इब्ने अबी तालिब, इस्मत का समंदर, एक तरफ शुजात का समंदर, जब इस्मत और शुजात के दो समंदरों का यंतकियान हुआ, अब जो सामने वजूद में आया तो वफा पैदा हुई है ना। यानी जब इस्मत और शुजात का यंतकियान होता है तो फिर वफा के रोते गिरते हैं। हसनैन के लिए देखिए दीन के इमाम बारा है, वफा का इमाम एक जा के लिए अब्बास, और जब अल्लाह से मांगा है तो अल्लाह ने दिया अब्बास की सूरत में एक बच्चा लिया, और जब आए जहां अब्बास तो कहने वाले ने कहा ये कौन लाया है आज घर में, नबी की खुद मुस्कुरा रहे हैं, ये कौन आया है आप घर में, नबी की खुद मुस्कुरा रहे हैं, अली की खुद मुस्कुरा रहे हैं, जरूर इसको अलम मिलेगा, अभी से मिल रहा है, जरूर इसको अलम मिलेगा, अभी से मिल रहा है। हुसैन झूले हुए जब भी होते लुक रहेगी, हुसैन झूले में जब भी होते मर छुड़ा देते।